पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय मानूं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डालें, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाएं, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरे हृदय दृढ़ रहें। हां, यहोवा ही का बांट जोता रहे।